नमस्कार बच्चों, सीए इंटर के लिए इंस्टीट्यूट ने अपना नया स्टडी मटेरियल इशू किया जो कि रेलिवेंट है मई 2022 एग्जाम एंड ऑनवर्ड। उसके मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मैं फास्ट रिवीजन आपको करवाने जा रहा हूं। हैंड रिटन रिवीजन होगा, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, लगभग 2 पेज में मैं सब कुछ करवा दूंगा। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर एग्जाम की बात करें तो कम से कम 8 से लेकर 14 नंबर तक का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, देखिए 17 चैप्टर्स हैं, ये रोमन में नंबरिंग है, टोटल 148 सेक्शंस है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करी जहां उन्होंने कहा कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं 4 चैप्टर, आपके कोर्स में नहीं होंगे, चैप्टर 3, 5, 6 एंड 9। लेकिन जो चैप्टर नंबर 3 है, यहां से ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है पार्टीज नाम में से, इसमें से आउट ऑफ इट अगर हम देखते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, उन्होंने 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 40 एंड 42, तो हम इसकी भी रिवीजन करेंगे। नंबर 2, अगर हम स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, देखिए स्टडी मटेरियल जो भी था इसका भी एक फास्ट रिवीजन विद स्टडी मटेरियल खोल के, उसका भी मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल रखा, आप देख सकते हैं उसे भी। तो कुछ एक चैप्टर्स इसके अलावा भी हैं जो स्टडी मैट में नहीं है, ये 3 चैप्टर हैं 10, 12 एंड 15, उनके मैंने सेक्शन और नाम ये सब कुछ यहां लिख के दे रखे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो चैप्टर 16 एंड 17 में से हैं वो हमारे स्टडी मैट में, लेकिन कुछ एक सेक्शन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में मेंशन नहीं किया। तो एग्जैक्टली जैसे आईसीआई ने अपना स्टडी मैट दिया है उसके मुताबिक नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर ये फास्ट रिवीजन हैंड रिटन होगी मेरी तरफ से, आप चाहें मेरे साथ लिख सकते हैं, लगभग पूरी कोशिश करूंगा 2 पेज में ही कंप्लीट हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात आपको पता ये होनी चाहिए, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है, उधार, इजिली कन्वर्टेबल इंटू मनी, इसके बदले आपको पैसा मिल जाएगा। तो आइए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट बिल्कुल टेक्निकली, सबसे पहले चैप्टर नंबर देखिए 1 आता है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रीलिमिनरी, और इस चैप्टर के अंदर सेक्शंस आते हैं 3, तो सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3, सिर्फ 3 सेक्शन का ये चैप्टर है। देखिए सेक्शन नंबर 1 जो होता है हर एक्ट में ये लगभग सेम होता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 1 के अंदर दी जाती हैं 3 चीजें, 1 शॉर्ट टाइटल, भाई इस एक्ट का नाम क्या है, नंबर 2 एक्सटेंट, ये लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, नंबर 3 इंपॉर्टेंट रहता है कमेंसमेंट, इसका मतलब है हैप्पी बर्थडे कह लीजिए कि ये एक्ट किस दिन लागू हुआ। शॉर्ट टाइटल तो मैंने बता ही दिया, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। देन इसका एक्सटेंट क्या होगा, इंटायर इंडिया, और कमेंसमेंट की डेट एक अच्छा प्रश्न यहां एमसीक्यू के लिए बन जाता है, तो वो ये है कि ये एक्ट कमेंस होता है 1 मार्च, और ध्यान ये दीजिएगा एक्ट माना 1881 का है लेकिन ये 1 मार्च 1882 को कमेंस होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सेक्शन नंबर 1 में यहां और दी गई है, वो ये है ये एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट नहीं लगेगा किस चीज के ऊपर, 2 चीजें इन्होंने बताई हैं कि करेंसी के ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि करेंसी के लिए हमारे देश में अलग से करेंसी एक्ट है 1871 का। नंबर 2, ये एक्ट नहीं लगेगा हुंडी, हुंडी क्या होता है, हुंडी एक लोकल लैंग्वेज में कह लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लोकल लैंग्वेज में पुराने जमाने में ये चला करते थे, इंस्ट्रूमेंट कहें, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह कहें, पार्टी चाहें तो अपने ऊपर ये एक्ट लगा सकती हैं, अदरवाइज सीधा सीधा हम कहेंगे तो हुंडी के ऊपर एक्ट नहीं लगता। जहां तक सेक्शन नंबर 2 का सवाल है, देखिए सेक्शन नंबर 2 हमारे बीच में नहीं रहा, ये इसका रिपील का मतलब होता है कि ये सेक्शन खत्म कर दिया गया है हमेशा के लिए। सेक्शन नंबर 3 में आता है, देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसके अंदर बताया गया है व्हाट इज बैंकर, तो बैंकर में 2 बातें इन्होंने बताई हैं, कोई भी आदमी, एनी पर्सन जो एक्टिंग एज बैंकर, जो बैंक का काम कर रहा है, नंबर 2 साथ में कहता है इसके अंदर इंक्लूड्स, इसके अंदर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना सेविंग खाता खुलवा सकते हैं, तो वो भी हम बैंकर ही कहेंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 2,
सो चैप्टर नंबर टू डील करता है तीन तरह के, देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट इज प्रोमिसरी नोट, नंबर दो बिल, और नंबर तीन हम कहते हैं चेक। ये तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इन्हीं के ऊपर चैप्टर नंबर दो आता है। और चैप्टर नंबर दो काफी बड़ा है, सेक्शन नंबर चार से लेकर के ये चलता है जी 25 तक, तो एक बड़ा कह लीजिए कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर चार की, लेकिन सेक्शन नंबर चार के साथ मैं साथ में बात करना चाहूंगा सेक्शन नंबर पांच की भी। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना चाहिए, और इसके लिए मैंने एक कोड की भी बनाई है। दरअसल सेक्शन नंबर चार में है प्रॉमिसरी नोट और नंबर पांच में है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी मैंने कोड की बना के दी है कि आप उसको डेफिनेशन वगैरह या उसके पॉइंट्स याद कर सकते हैं। और देखिए, जहां तक मैं बात करूं, ये मेरी रिवीजन की यूटिलिटी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले नेगोशिएबल एक्ट पढ़ा हुआ है कि किस तरह से हम फास्ट वे में इसको रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, स्वाभाविक है, दिस इज अ फास्ट रिविजन, कि मैं एक एक चीज समझाऊंगा नहीं, मैं बस लिखे जा रहा हूं, बताए जा रहा हूं। अगर आपको आता है तो आपको रिविजन मिलेगी। देखिए, मेरी तरफ से कोड की कुछ इस तरह से है। समाजवादी पार्टी SP, किसकी? मुलायम सिंह की। यूपी में क्या है, एक वॉल है जो अब क्या हो गई है, टूट गई है, क्योंकि योगी की सरकार आ गई। इस तरह से कोड की बनाई है, सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। देखिए, एस से हमारा यहां पॉइंट बनता है सेक्शन, जो मैंने लिख दिया चार एंड पांच। पी से बनता है पार्टीज, तो पार्टीज के बारे में यह पता होना चाहिए कि प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, एक का नाम होता है मेकर और दूसरे का नाम होता है पेई, और बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। लेकिन दो भी हो सकती है अगर ड्रॉअर ड्रॉअर के साथ साथ पेई भी है। तो जिस तरह से मैंने पार्टीज बताया, आपने पूरा लिखना है तो आप आगे लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिविजन है, एक एक चीज मैं लिख नहीं सकता। एम से यहां हमारा पॉइंट आता है कि भाई साहब, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सिर्फ एंड सिर्फ पेबल होते हैं मनी के अंदर ही, और इनके ऊपर एक स्टैंप ड्यूटी पक्का लगती है। ड्यूटी का मतलब है सरकार को एक टैक्स पे करना पड़ता है, तभी ये वैलिड होते हैं। तो मनी सिर्फ एंड सिर्फ मनी होगा, प्लस मनी का अमाउंट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, एक प्रिसाइज अमाउंट। मतलब काइंड में आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं, काइंड में आप नहीं बना सकते हैं, ना ही पार्शली वो काइंड में हो सकता है, प्योरली मनी में होना चाहिए। स्टैंप ड्यूटी दोनों पे ही मस्ट है, मतलब जरूरी है, वरना वो इनवैलिड हो जाएंगे। यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डेट इज अनकंडीशनल, जिसका मतलब है आप किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं इनके बनाने पे। हाँ, यहां पे बताया गया है कि दो एक्सेप्शन है कि इसको हम कंडीशन नहीं मानेंगे, और ये दो हैं, जैसे आप कहते हैं कि पेमेंट मिलेगी 2 महीने बाद, जैसे हम कहते हैं टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या आप कहते हैं पेमेंट मिलेगी ऑन द हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट। देखिए, जीवन में कुछ भी श्योर नहीं है सिवाय मौत के, तो अगर आप कहते हैं मिस्टर एक्स की मौत के बाद मैं पैसे दूंगा, तो ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। देन पी से पॉइंट बनता है हमारा, देखिए, अगर प्रॉमिसरी नोट है तो वहां पे पक्का वर्ड लिखा होना चाहिए प्रॉमिस टू पे, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, देखिए प्रॉमिसरी नोट बनाता है मेकर, मेकर कौन है, जिसने पैसे देने हैं, और जिसके फेवर में बनाता है उसको हम कहते हैं पेई, और पेई हर जगह कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसने पैसे हमेशा लेने होते हैं। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए बनाता कौन है, जो बनाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब है मेकर, तो मेकर कौन है, जिसने पैसे लेने हैं, और ड्रॉई कौन होता है, जिसने पैसे देने हैं, और पेई का मतलब लेने ही है। तो प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बनाया किसने है, रीजन बड़ा ही क्लियर है, मेकर ने बनाया है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया है, ड्रॉअर ने बनाया है, तो इसलिए वो वर्ड क्या इस्तेमाल करेगा, वो वर्ड इस्तेमाल करेगा ऑर्डर टू पे, क्योंकि उसने पैसे लेने हैं। जबकि हम ये भी कहते हैं, आप थोड़ा पोलाइट हो सकते हो, प्लीज पे भी कह सकते हो, लेकिन बेटर है आप वर्ड क्या इस्तेमाल करें, ऑर्डर टू पे ही आप इस्तेमाल करेंगे। देन देखिए, वॉल नाम से हमारी आगे कोड की आती है, तो W से क्या है, दोनों में ही राइटिंग में ही होंगे, ये ऑरली नहीं हो सकते, तो राइटिंग यहां पे मस्ट है, ऑरली नहीं, आप ऑरल नहीं बना सकते इसे। देन A से देखिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का पॉइंट सिर्फ किस केस में लगता है, एक्सेप्टेंस चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही, क्योंकि जो ड्रॉई है इसी का नाम बदल के बाद में क्या बनता है, एक्सेप्टर, क्योंकि वो जब एक्सेप्ट करेगा तभी उसकी बिल के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है। और एक्सेप्टेंस के लिए मैं बताऊं, यहां पे चार कंडीशंस बनती हैं, देखिए कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस करनी है तो चार कंडीशंस होती हैं ये, और ये चार कंडीशंस हैं कि भैया सबसे पहले
ये राइटिंग में होना चाहिए। नंबर दो, यहां आप साइन करेंगे एज ए ड्रॉइंग। नंबर तीन, आप केपेबल होने चाहिए, डेट मीन्स आप माइनर वगैरह ना हो। नंबर चार, आपने साइन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट की क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। और ये कहता है दरअसल सेक्शन नंबर 7 की चार कंडीशंस हैं। देन एल से पॉइंट हमारा बनता है भाई लाइबिलिटी किसकी, मेकर की। तो जहां तक मेकर का सवाल है, नोट हो या बिल हो, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अगर नोट है तो नोट के केस में मेकर की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब मेन लाइबिलिटी उसी की है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर है उसे हम कहते हैं ड्रॉर, और उसकी लाइबिलिटी होती है सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि मेन लाइबिलिटी किसकी है? ड्रॉय की ही होती है। वो पैसे ना दे तो ड्रॉर को पैसे भरने पड़ेंगे। टी से पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप ट्रांसफरेबिलिटी जितनी मर्जी बार करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितना मर्जी कीजिए, इन्फिनिटी आगे से आगे आप कर सकते हैं। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 6 आता है, और सेक्शन नंबर 6 के अंदर देखिए हम पढ़ते हैं चेक। तो जब हम चेक की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें मिलती हैं दो बातें, एक मींस एंड दूसरा है एंड इंक्लूड्स। देखिए, मींस में आती हैं तीन चीजें। चेक क्या है? चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक बात। हमेशा चेक किसके ऊपर ड्रॉ होता है? ड्रॉन ऑन बैंक। बैंक में मैंने पहले बता दिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी आ सकता है, तो एक स्पेसिफाइड बैंक होता है। नंबर तीन होता है, जो चेक होता है वो ऑलवेज पेबल जो है ऑन डिमांड होगा, मतलब जब आप पैसे मांगेंगे बैंक को पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये मेन एक पॉइंट निकल के आता है। एंड इंक्लूड्स में हम कहते हैं दो चीजें, एक है ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड क्या होता है? देखिए, चेक होता है फिजिकल, या हम कहते हैं इसे पेपर फॉर्म में होता है। तो दरअसल ट्रंकेटेड चेक क्या है, ये कन्वर्ट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, कर दिया जाता है क्लियरिंग, क्योंकि बैंक ने आपके बिहाफ पे पैसे लेके आने हैं, और बैंक कन्वर्ट करता है क्लियरिंग के दौरान किस में, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो उसे कहते हैं ट्रंकेटेड चेक, मतलब आप पेपर फॉर्म में चेक खत्म हो गया। और जबकि एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक, इसका मतलब क्या, ओरिजिनली ही वो इश्यू हुआ है, और वो किस में इशू हुआ है, वो इशू हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पहले से ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज यहां ये बनती है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेक्शन 6 में जो चेक है, इन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस जरूर आना चाहिए। और डिफरेंस इन दोनों का अगर हम लेते हैं तो यहां पर मैं एक सिंपल कोड की से ही करवाता हूं जो मैं यहां आपसे शेयर करने जा रहा हूं। डेट इज सैड है भाई। क्यों सैड है? क्योंकि हम पीजी में रहते हैं। तो देखिए, ऐसे मैंने पहले बता दिया सेक्शन 5 एंड 6। और ए से क्या है, देखिए एक्सेप्टेंस आप जान गए हैं, बिल के केस में ही चाहिए, चेक के केस में तो चाहिए नहीं। और डी से देखिए, ड्रॉर जो होता है चेक के केस में वो होता है जिसने पैसे देने हैं, जबकि बिल के केस में उसने पैसे लेने हैं। देन पी से है पार्टीज। आपने देखिए, जहां तक हम बात करें बिल की, तो बिल में देखिए तीन पार्टीज ही होती हैं, लेकिन वो दो भी हो सकते हैं अगर ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, ड्रॉर एंड पे क्या है, सेम पर्सन है। जबकि चेक के केस में हम ये कहते हैं कि तीन पार्टीज पक्का होती हैं, लेकिन चार पार्टीज भी हो सकती हैं अगर चेक क्रॉस चेक है। जब क्रॉस चेक होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आपने पहले पढ़ा होगा, कलेक्टिंग बैंक से पैसे मिलते हैं तो चार पार्टीज आप कह सकते हैं। ग्रेस पीरियड ये आपको पता ही होगा, ये 3 दिन का होता है। किस केस में होता है? बिल के केस में होता है। तो इस तरह से छोटी सी कोड की से पॉइंट कवर अप हो जाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। देखिए, सेक्शन नंबर 7 में बहुत कुछ आता है। सेक्शन नंबर जो 7 है वो डील करता है पार्टीज के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर बहुत कुछ है। ये पार्टीज किसकी हैं? ये पार्टीज हैं बिल की या फिर चेक की। नोट के ऊपर बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले पार्टीज के बारे में बता दिया, ड्रॉर ड्रॉई। तो देखिए, चेक के केस में ड्रॉई का मतलब होता है पेइंग बैंक, जिसने पैसे देने हैं। पे हमेशा सेम ही है। एंड देन बिल के केस में एक पार्टी आती है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 108 से 112 के अंदर, तो ये लेटर ऑन आ जाएगा। और एक होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा ड्रॉई, अगर ड्रॉर चाहे तो एक एक्स्ट्रा ड्रॉई का नाम दे सकता है। ये हम पढ़ते हैं 115 एंड 116 के अंदर आके आएगा ये।
देन देखिए सेक्शन नंबर 8 के अंदर हम पढ़ते हैं जी होल्डर। होल्डर के लिए बहुत सिंपल सी दो बातें लेके चलिए। होल्डर के लिए दो कंडीशंस होती हैं। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के होल्डर होंगे, अगर आपके पास उसका क्या है, पोजेशन है, आपके पास है, प्लस लेकिन आपका हक होना चाहिए उसके ऊपर, चाहे वो गिफ्ट से मिला हो, चुरा लिया है, किसी का उठा लिया है, तो देखिए आपका उसके ऊपर हक नहीं होता, या कोर्ट ने रोक लगा रखी है, आपका हक नहीं है। दूसरी बात ये होती है होल्डर कौन होगा अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, खो गया है। तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खो गया तो होल्डर किसे मानेंगे? हम उसे ही मानेंगे जिसके पास वो लास्ट टाइम था, और लास्ट टाइम जिस आदमी के पास ये दो कंडीशंस उसकी सेटिस्फाई हो रही थी, जिसका उसके ऊपर हक था। सेक्शन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं HDC, जिसे हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो HDC के लिए यहां जैसे होल्डर में दो कंडीशन थी, यहां पे 6 कंडीशंस बनती हैं। पहली बात, पहली दो सेम ही है, पोजेशन प्लस एंटाइटलमेंट। नंबर 3 आता है, आप ड्यू कोर्स में इसलिए हैं क्योंकि आपने कंसिडरेशन दी है, मुफ्त में गिफ्ट से आपके पास चीज नहीं आई है, साथ में आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट आया है मैच्योरिटी से पहले, डेट मीन्स ड्यू डेट से पहले, तभी वो ठीक होगा। प्लस आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुआ है, डेट मीन्स पहले से कंप्लीट होकर आपके पास आया, उसमें कोई चीज आपने खुद ने नहीं भरी है। देन आपने ये इंस्ट्रूमेंट लिया है बोनाफाइड, जिसे हम कहते हैं गुड फेथ में, जिसका मतलब है आपको किसी डिफेक्ट के बारे में पता नहीं है, आपने गुड फेथ में किसी से लिया है। तो कहने का मतलब होता है सेक्शन नंबर 9 में हम कहते हैं HDC का, होल्डर इन ड्यू कोर्स का, हमेशा टाइटल कंपेयर टू अदर्स क्या होता है, बेहतर होता है। सेक्शन नंबर 10 में आता है PDC, पूरा आप लिख सकते हैं आपकी मर्जी है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स की पेमेंट, जैसे चेक है पेमेंट किसने करनी है, ड्रॉइंग जैसे हम कहते हैं पेइंग बैंक में, तो इन ड्यू कोर्स पेमेंट कैसे होगी। तो यहां पे 4 कंडीशंस है, एक आपने पेमेंट करी है, अपेरेंट टेनोर जिसका मतलब है जैसे डेट लिखी है, जिसका नाम लिखा है, अमाउंट जो लिखा है, दैट इज अपेरेंट टेनोर, जो जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपने करी है। क्या करनी है, सिर्फ एंड सिर्फ पैसे देने हैं, और कोई आपकी तरफ से क्या नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, और आपने ये पेमेंट एक तरह से यूं कह सकते हैं कब करी है, गुड फेथ में। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स हर चीज तरीके से है, ठीक जा रही है। 11 में आता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, नाम से पता चल रहा है भारतीय इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में दो बातें हैं, पहली कंडीशन आपने ये देखनी है कि इंस्ट्रूमेंट बना कहां पे हो, मेड कहें या कहें ड्रॉन कहां पे, इन इंडिया। लेकिन साथ में एक और कंडीशन है, एंड कह लें या प्लस कह लें, ये पेबल, इसके पेमेंट कहां होनी चाहिए, इन इंडिया होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में पेमेंट नहीं हो पा रही है तो कोई टेंशन नहीं है, उसके साथ एक और ऑप्शन दी जाती है, डेट इज इसे हम कहते हैं ड्रॉन अपॉन, क्या आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRI, मेड इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया, पेबल ना हो तो ड्रॉन अपॉन क्या हो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे कहते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर सेक्शन 11 फेल हो गया तो क्या बन गया, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 12 के अंदर बन गया। सेक्शन नंबर 13 में आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने 3 चीजें कही हैं, वही मैं लिख रहा हूं स्टार्टिंग से, नोट कहें, बिल कहें या चेक, ये 3 चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये सब सेक्शन देखिए 1 कहता है, सब सेक्शन 2 की बात करें तो वो कहता है जो पे ही होते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 और मोर भी हो सकता है या ऑल्टरनेट भी हो सकता है, इसको पैसे दे दो या उसको दे दो, ये एक से ज्यादा ऐसा हो सकते हैं। देन सेक्शन 13 की ही इसी के अंदर देखिए इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी आती है, एक्सप्लेनेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन 1 में बात की गई है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की, और 2 के अंदर बात करी गई है बेरर इंस्ट्रूमेंट की। तो देखिए बेरर का मतलब ये होता है जिसके पास है उसको ही पैसे मिलेंगे, तो बेरर में आती हैं दो बातें, दैट मीन्स जहां आपने कहा एक्सप्रेस्ड लिखा है टू बी पेबल कि पैसे दे दिए जाएंगे, किसको दे दिए जाएंगे, जिसके पास है उसे कहते हैं बेरर, या फिर जो इंडोर्समेंट हुई है लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, मतलब आपने किसी का नाम नहीं लिखा है तो इंस्ट्रूमेंट स्टिल कहलाएगा बेरर। और ऑर्डर क्या है,
जहां आपने एक्सप्रेस किया है टू बी पेबल कि पैसे देने हैं, किसको देने हैं, टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी आदमी को पैसे देने हैं, जैसे मिस्टर एक्स, या जिसको मिस्टर एक्स देना चाहे तो उसे कहते हैं और हिज ऑर्डर, जिसको वो आगे देना चाहे। सेक्शन नंबर 14 के अंदर आता है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन एक वर्ड में खत्म करें तो ट्रांसफर होता है इसका मतलब। तो जब आपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है ताकि जो दूसरा बंदा है, अदर पर्सन, क्या बन जाए, बिकम्स होल्डर, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द अदर पर्सन एज होल्डर, तो हम उसे कहते हैं नेगोशिएशन। एंड 15 के अंदर आती है एंडोर्समेंट। तो देखिए, एंडोर्समेंट या नेगोशिएशन कौन करेगा, दोनों में एक चीज कॉमन फैक्टर है। एक वर्ड में मैं अगर खत्म करूं, ये दोनों कार्य कौन करेगा, जो होल्डर है, जिसके पास है इंस्ट्रूमेंट, और इन लॉफुल पोजेशन है, मतलब वो गलत व्यक्ति नहीं है, चाहे मेकर है, पेई है, एंडोर्सिंग कुछ भी कह लें। तो इंडोर्समेंट करने के लिए दो कंडीशन है, आपको साइन करना है प्लस अगले को पकड़ाना है, जिसे हम कहते हैं डिलीवरी। साइन आप कैसे करेंगे, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट के फेस पे करें या बैक पे करें, या एक स्लिप अटैच करते हुए कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अलॉन्च। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 16 के अंदर आता है दो चीजें, इंडोर्समेंट इन। देखिए, इंडोर्समेंट को आई से भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंडोर्समेंट सेक्शन 16 में दो बातें आती हैं, इसे हम ब्लैंक भी कहते हैं या जनरल भी कहते हैं, या फिर इंडोर्समेंट को हम कहते हैं फुल या स्पेशल। तो देखिए, ब्लैंक से नाम से ही पता चला आपने इंडोर्समेंट तो करी है, लेकिन आपने इंडोर्सी का नाम नहीं भरा विदाउट नेम ऑफ इंडोर्सी, उसका नाम नहीं लिखा है, इसलिए इसे हम कहते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। देयर आफ्टर अगर फुल है तो ऑब्वियसली यहां पे आपने किया है, आपने इंडोर्सी का नाम लिखा है, तो इंस्ट्रूमेंट रहता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहता है। 17 में आता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस नाम से पता चल रहा है भाई, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, जिसे ये नहीं पता चल रहा क्या ये नोट है या बिल है। तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट चार सिचुएशंस में देखिए बन सकता है। जैसे हम पहली सिचुएशन कहें कि अनसर्टेनिटी है, मतलब ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वर्ड्स टेक्निकल होते हैं, जैसे नोट में लिखना होता है प्रॉमिस टू पे, बिल में क्या लिखना होता है ऑर्डर टू पे। तो अनसर्टेनिटी है, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो देखिए, यहां पे आपके एक राइट मिलता है, आप इसे जो मर्जी ट्रीट कर सकते हैं। नंबर दो, ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, सेम पर्सन है। नंबर तीन, ड्रॉई जो है इनकॉम्पिटेंट है, जैसे माइनर, ड्रॉई जो है वो फिक्टिशियस है, मतलब पता नहीं है कि ये आदमी असल में ओरिजिनल आदमी कौन है। देन 18 में क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसी, जिसका मतलब है डिफरेंस क्रिएट हो गया किसके अंदर। देखिए, जब भी आप चेक वगैरह या इंस्ट्रूमेंट भरते हैं तो आप वर्ड्स में भी लिखते हैं एंड फिगर्स में। तो प्रश्न है, वर्ड्स में अलग लिखा है, फिगर्स में अलग लिखा है, तो कौन सी माने, तो वर्ड्स टू प्रिवेल, जो वर्ड्स में लिखा है वही अमाउंट माना जाएगा। उन्नीस में आता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड का मतलब है कि इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाएंगे, तो इमीडिएट यहां पे पेमेंट होगी। तो सेक्शन 19 कहता है डिमांड कब होगा, जब आपने टाइम के बारे में नहीं बताया, टाइम नहीं लिखा, 15 दिन या 2 महीने, तो अंडरस्टूड है ये इंस्ट्रूमेंट डिमांड है, नॉट स्पेसिफाइड। तो सेक्शन नंबर 20 के अंदर आता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, कि एक इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। इसके अंदर भी देखिए चार कंडीशंस यहां क्रिएट होती हैं, और इसके लिए मैं एक कोड की बनाता हूं, SDSAI, जिसका मतलब है एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने साइन पक्का किया हो, अगले को दिया भी है,
और उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, अगर वो नोट या बिल है आपने पे करी है, साथ में वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। अब इनकम्प्लीट वो किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? देखिए, इनकम्प्लीट में हो सकता आपने नाम नहीं भरा, आपने डेट नहीं भरी, या पे का, या कह लीजिए जो इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट, अमाउंट नहीं फिल किया, लेकिन आपने साइन भी किया है और अगले को पकड़ा भी दिया है। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 21, तो सेक्शन नंबर 21 में दोनों चीजें आती हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी। तो देखिए, दो चीजें आ गई, कब एक इंस्ट्रूमेंट डिमांड होगा, वैसे 19 में भी हमने ये पढ़ा, कब होगा टाइम। तो डिमांड में फर्दर तीन चीजें यहां बताई गई हैं कि अगर आपने शब्द अगर लिख दिए हैं, क्या वर्ड लिख दिए हैं, पेबल एट डिमांड, कि पैसे मिलेंगे जैसे ही आप मांगोगे, या पैसे मिलेंगे एट साइट जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट पेश करोगे, या पैसे मिलेंगे ऑन प्रेजेंटमेंट, जिसका मतलब है जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट पेश करेंगे। टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा, यहां पे चार चीजें बन सकती हैं। अगर आपने लिख दिया फिक्स पीरियड के बाद हम पैसे देंगे, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें 3 महीने के बाद आपने लिख दिया पैसे दूंगा मैं इतने दिन के बाद, स्पेसिफाइड डेज कह लीजिए, जैसे आपने कहा 15 दिन के बाद, या आपने कहा पैसे दूंगा जब ये श्योर इवेंट हो जाएगा, तो श्योर इवेंट मैंने पहले भी बताया था डेथ के बाद, तो जैसे आपने कहा 10 डेज आफ्टर डेथ मिस्टर एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और फोर्थ जो पॉइंट है उसे आपने थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं कि भाई पैसे मैं दूंगा आफ्टर साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखे, द वर्ड एट साइट नहीं है, वर्ड क्या है यहां पे, आफ्टर साइट। तो यहां पे फर्दर दो चीजें बनती हैं, अगर बिल है या नोट है, तो बिल के केस में आफ्टर साइट का मतलब होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, जबकि अगर हम नोट की बात करें तो वहां पे उसका मतलब होता है आफ्टर प्रेजेंटमेंट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। देन सेक्शन 22 डील करता है मैच्योरिटी के ऊपर, तो मैच्योरिटी को हम क्या कहते हैं, ड्यू डेट, भाई जिस दिन आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने ही पड़ेंगे। साथ में देखिए सेक्शन 22 कहता है अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है, तो टाइम इंस्ट्रूमेंट के केस में जो पैसे मिलेंगे उसमें हम ऐड करेंगे 3 डेज का ग्रेस पीरियड। अब सेक्शन 23, 24, 25 ये टाइम इंस्ट्रूमेंट पे डील करते हैं, और ये कहते हैं कि हम मैच्योरिटी डेट किस तरह से कंप्यूट करेंगे। तो 23 कहता है अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर सो मैनी मंथ्स, मतलब मंथ्स की बात यहां पे हो रही है, चाहे वो आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट कह लीजिए है। तो अगर आफ्टर मंथ्स है तो आपने क्या लेना है, आपने लेना है कॉरस्पॉन्डिंग डे, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम डे। जैसे हम कहते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट बना है 1 जनवरी को 3 महीने का, तो आप 31 मार्च नहीं लेंगे, 1 क्या लेंगे, अप्रैल, 3 दिन ग्रेस डालेंगे और 4 अप्रैल आंसर आ जाएगा। लेकिन इफ नो लास्ट डे, मान लीजिए इन अ मंथ, जैसे एक बिल बनाया आपने 31 जनवरी को 1 महीने का, 31 फेब तो आती नहीं है, तो दैट मींस इन दैट सिचुएशन हम क्या ले लेंगे, तो पहली बात है इफ नो कॉरस्पॉन्डिंग डे, 31 जनवरी का बिल है 1 महीने का, 31 फेब तो नहीं आती, तो हम क्या लेंगे, लास्ट डे इन अ मंथ ले लीजिए, दैट मींस 31 जनवरी है तो लास्ट डे 1 महीने का बिल है, तो आप क्या ले लीजिए 28 फेब या 29 फेब अगर लीप ईयर हो तो, और उसमें 3 दिन का क्या ऐड कर लें, ग्रेस पीरियड। 24 में चेंज ये है, यहां इंस्ट्रूमेंट पेबल है, बस वर्ड क्या चेंज हो जाएगा, आफ्टर सो मैनी मंथ्स के बजाय हम वर्ड क्या लगा देंगे, आफ्टर सो मैनी डेज। तो आफ्टर सो मैनी डेज है, यहां ध्यान रखना है आपने एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, डे ऑफ ट्रॉल, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना है उस दिन को छोड़ के आगे से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और देखिए 25 डील करता है हॉलीडे के ऊपर, अगर ड्यू डेट वाले दिन हॉलीडे आ गई, तो देखिए हॉलीडे को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं,
या तो पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, या दूसरा हम कहते हैं इमरजेंसी हॉलीडे या कह लीजिए सडन हॉलीडे। तो देखिए अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उसमें एज आई सेड ये बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो ध्यान ये रखें इसके अंदर संडे भी आ जाएंगे, लेकिन मेन आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे 26 जनवरी कह लीजिए, 15 अगस्त कह लीजिए, 2 अक्टूबर कह लीजिए, 25 दिसंबर क्रिसमस वाला दिन ले लीजिए। तो यहां क्या करें, उस दिन तो छुट्टी आ गई, तो आपने लेना है टेक प्रोसीडिंग बिजनेस डे। प्रोसीडिंग का मतलब है पहले वाला दिन, प्रायर डे ले लीजिए, जिस दिन ऑफिसेस खुले हों। अगर उससे पहले वाले दिन भी छुट्टी है तो उससे पहले वाला लीजिए। और सडन हॉलीडे आ गया है तो आपने क्या लेना है, टेक सक्सीडिंग कह लें, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आपको छुट्टी का पहले से पता नहीं था तो आप नेक्स्ट ले लेंगे, दैट इज सडन हॉलीडे। तो यहां पे आकर के हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 2। जैसे मैंने कहा था चैप्टर नंबर 3 हमारे कोर्स में नहीं है, एंड देयर आफ्टर वी मूव टू चैप्टर नंबर 4। लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो मैंने बताया था उसके सिर्फ एंड सिर्फ कितने सेक्शंस 2 इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में दिए हैं, तो उसका मैं जिक्र जरूर करूंगा। एक है सेक्शन नंबर 40 और एक है 42। तो 40 डील करता है डेट इज कैंसिलेशन ऑफ इंडोर्समेंट। कोई इंडोर्समेंट हुई पड़ी थी, इंडोर्समेंट को मैं ई से लिख देता हूं शॉर्ट में, वो आपने कैंसिल कर दी है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर, इंडोर्सर जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो इंडोर्सी है उसने क्या किया है, उसने उसकी रेमेडी डिस्ट्रॉय की है, डिस्ट्रॉयस रेमेडी, या यूं कह लीजिए अगेंस्ट प्रायर पार्टीज। जैसे ये एग्जाम्पल बार बार भी मैं यूज भी कर लूंगा, जैसे एक बेस एग्जाम्पल ले लीजिए एक्स वाई, एक्स ड्रॉर है वाई ड्रॉई है, ये बिल आगे इंडोर्स हुआ ए बी सी, तो सी है होल्डर या इंडोर्स ही कह लो। तो अगर डिसओनर हो गया सी किसको पकड़ेगा, बी को। तो ये बी की हम बात करें कि बी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर सी ने क्या किया, यहां ए का नाम मान लो काट दिया, तो बी का राइट था ए से पैसे लेना, तो बी ए से नहीं ले पाएगा, तो इसलिए बी कहेगा भैया सी मैं तेरी तरफ लाइबल नहीं हूं। और 42 के अंदर आता है फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट। तो फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट तब होता है या तो ड्रॉर या पेई, या दोनों के दोनों फिक्टिशियस हों, या तो ड्रॉर और पेई और बोथ क्या है, ये फिक्टिशियस है, फेक नाम पे इंस्ट्रूमेंट बनाया है या पेई है। तो होता क्या है, अगर यहां पे ड्रॉर ने बनाया, उसने आगे इंडोर्स भी किया है, तो आपने अगर इंडोर्स किया, ड्रॉर बनाते समय आपको साइन डालने पड़ते हैं, इंडोर्स करते समय भी आपको साइन करना पड़ता है, तो नेचुरल आपने सेम साइन किया है, ऑब्वियसली सेम क्या है, हैंड राइटिंग है। तो यहां पे हम कहते हैं कि भाई साहब एक प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब है बेनिफिट होगा एचडीसी को, अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, तो जो एक्सेप्टर है वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, ये कहते हुए कि ड्रॉर या पेई क्या है, फिक्टिशियस है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नेगोशिएशन, और ये आता है सेक्शन नंबर 46 से लेते हुए 60 तक। तो सेक्शन नंबर सबसे पहले 46 एक अच्छा सेक्शन है। देखिए इसमें आती है डिलीवरी, तो देखिए डिलीवरी किसने करनी होती है, तो मैं इसको शॉर्ट भाषा में एक चीज ये कहता हूं, डिलीवरी करनी होती है माई ने, एम से मेकर, ए से एक्सेप्टर, आई से इंडोर्सर। आप मेकर हैं तो अगले को तो देंगे इंस्ट्रूमेंट, आप एक्सेप्टर हैं तो एक्सेप्टेंस करने के बाद देंगे, इंडोर्सर आगे इंडोर्स कर रहा है तो डिलीवरी तो आपको करनी ही होती है। तो आप डिलीवरी किस तरह से कर सकते हैं, दो तरीके से हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी जिसे हम कहते हैं फिजिकली हैंड ओवर कर दें, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जिसका मतलब है
फिजिकली नहीं भी हैंड ओवर किया है लेकिन अगले को बता दिया है, नोटिस दे दिया है, इंटीमेट कर दिया है कि भाई मैंने ये एक्सेप्ट वगैरह या एंडोर्स वगैरह कर दिया है। देन इसी डिलीवरी के अंदर देखिए हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि डिलीवरी अफेक्टिव कब होती है, तो अफेक्टिव में देखिए दो चीजें लेके चलिए। इसमें क्या है, अगर आप डिलीवरी हुई है बिटवीन पार्टीज, दो लोगों के बीच में डिलीवरी हो रही है और आप हैं इमीडिएट रिलेशन में, जैसे ड्रॉर ड्रॉई, इंडोर्सर इंडोर्सी, राइट, तो नेचुरल आप पकड़ाएंगे तभी डिलीवरी होगी। लेकिन अगर डिलीवरी हुई है, इसे एक पॉइंट कह सकते हैं या दूसरे को मैं आसान करके लिख दूं तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल डिलीवरी, या एक नाम हम इसे और देते हैं एस्क्रो। यहां क्या है, डिलीवरी हुई है अदर देन एचडीसी, मतलब जो पार्टीज हैं उनके बीच में क्या नहीं है, कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल शॉर्ट में लिख के बता दूं, अगर आप मालिक हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, आपने अपने एजेंट को दे दिया इंस्ट्रूमेंट कि भैया ये रख दे, तो ये हम कंडीशनल डिलीवरी कहते हैं। इस एजेंट को क्या नहीं मिलती है, एब्सोल्यूट, मतलब पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, क्योंकि उसको थोड़े पेमेंट मिलनी है, वो तो आपका नौकर है जिसे आपने उसको दिया है रखने के लिए। तो इसे अच्छे से इस सेक्शन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। देन आगे जी 47 एंड 48, देखिए 47 एंड 48 के अंदर क्या आता है, 47 कहता है अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर इंस्ट्रूमेंट है, और 48 कहता है अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो देखिए आपने क्या करना है, उसका नेगोशिएशन करना है। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कैसे करेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ डिलीवरी से, बाय मेयर डी फॉर डिलीवरी। जबकि ऑर्डर है तो यहां पे आपको पहले इंडोर्समेंट भी करनी होगी, जिसका मतलब है साइन भी करना होगा, एंड फॉलोड बाय डिलीवरी, और अगले को पकड़ाना भी पड़ेगा। देन 49 डील करता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट है इन ब्लैंक है, तो ये डील करता है प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन, आपने कन्वर्ट करना है ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ई के लिए इंडोर्समेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्लैंक टू फुल। अगर आपने ब्लैंक है डेट मीन्स इंडोर्सी का नाम नहीं भरा है, तो सिंपल क्या करें, क्या प्रोसीजर रहेगा, भैया उसका नाम फिल कर दीजिए, ना आपने कोई साइन करने है ना कुछ, और जस्ट फिल द नेम अबव द सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर। तो जहां इंडोर्सर ने अपने साइन तो पहले से किए हुए हैं, बस उसके अंदर आप इंडोर्सी का नाम फिलअप कर दीजिए। देन सेक्शन नंबर 50, तो सेक्शन नंबर 50 एक अच्छा सेक्शन है, ये डील करता है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट पे। नाम से ही पता चल रहा है आपने इंडोर्समेंट के ऊपर एक रोक लगा दी है, कहने का मतलब है ये एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूड्स व्हाट, एक्सक्लूड्स फर्दर राइट ऑफ नेगोशिएशन, मतलब अब आप आज के बाद आगे इसको नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने आगे दिया किसी को, आपने कहा इंडोर्स्ड पेबल टू सी ओनली, कि सिर्फ पैसे किसको मिलेंगे, सी ओनली, मतलब आगे नहीं दे सकता, फॉर द अकाउंट ऑफ सी मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी, तो मतलब आपने फर्दर नेगोशिएशन पे एक क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। 51 कहता है इंडोर्समेंट कौन करेगा, बाय हूं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इंडोर्समेंट वही कर सकता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट हो। तो एक वर्ड में मैं खत्म करूं तो होल्डर कह लीजिए, वरना चाहे देखिए आप मेकर कहें, आप पेई कहें, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहें, आप इंडोर्सर कहें, तो वो अलग बात है। तो सिंपल भाषा में जिसके पास है, किसी भी नेचर में आप हैं। देन 52 टॉक्स अबाउट कंडीशनल इंडोर्समेंट, जिसको हम एक नाम मोर देते हैं क्वालिफाइड इंडोर्समेंट, मतलब इंडोर्समेंट किया है लेकिन आपने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। ये कंडीशनल इंडोर्समेंट चार तरह की होती है, एक को हम कहते हैं सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, एक को कहते हैं सेंस फ्रेज, और तीसरे का नाम है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, एंड फोर्थ का जो नाम आता है दैट इज कॉन्टिंजेंसी
बेस्ड इंडोर्समेंट। देखिए सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों चीजें इंडोर्सर के लिए बेनिफिशियल हैं, मतलब इंडोर्सर ने अपने लिए कुछ बेनिफिट क्रिएट कर लिया है। डैट मीन्स सेंस रिकॉर्ड्स में इंडोर्सर क्या कहता है कि भाई साहब जितनी भी लाइबिलिटी होगी, जैसे बिल है 1000 रुपए का, 200 रुपए नोटिंग चार्जेस भी होते हैं अगर डिसऑनर हो जाए, कि मैं लाइबल नहीं हूंगा, मेरे पास दोबारा मत आना, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं। तो यहां फुल लाइबिलिटी से आप अपने आप को बचा लेते हैं। और सेंस फ्रेस में क्या होता है, फ्रेस के केस में आप जो भी एक्सपेंसेस होंगे उससे अपने आप को रिलीव कर लेते हैं। जैसे 1000 रुपए का बिल है, 1000 रुपए तो भरने पड़ेंगे, लेकिन नोटिंग चार्जेस 200 रुपए लगे उससे आप बच सकते हैं। फैकल्टेटिव में क्या हुआ, इंडोर्सी को बेनिफिट है, यहां पे इंडोर्सर ने अपने कुछ यूं कह लीजिए राइट्स क्या कर दिए हैं, वेव कर दिए हैं। जैसे उसने कहा कि मेरे डिसऑनर हो जाए तो आप मेरे को नोटिस नहीं भी देंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। कॉन्टिंजेंसी बेस्ड इंडोर्समेंट का मतलब है कि मैं पेमेंट तो करूंगा, लेकिन कब करूंगा, ऑन हैपनिंग कह लीजिए या नॉन हैपनिंग कह लीजिए, किसका, एक अनसर्टेन इवेंट। जैसे अगर सामान दिल्ली पहुंच गया तो मैं पैसे दूंगा, अगर शिप आ गया तो मैं पैसे दूंगा। 53 बढ़िया एक सेक्शन है, 53 डील करता है होल्डर जो है गेट्स, होल्डर को मिलेंगे राइट्स किसके, HDC के, होल्डर गेट्स राइट्स ऑफ HDC। इसका मतलब क्या है कि अगर HDC ने आगे इंस्ट्रूमेंट दे दिया है लेकिन आप होल्डर हैं, आप HDC नहीं हैं, तो सारे हक HDC के आपको मिल जाएंगे। और बड़ी बात क्या है, कहने का मतलब है इवन इफ चाहे होल्डर अवेयर ऑफ फ्रॉड कि इंस्ट्रूमेंट बना था वो अनलॉफुल मीन से बना है, तब भी उसको पैसे मिल जाएंगे। बट वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट, वो नहीं होना चाहिए पार्टी टू फ्रॉड, वो खुद फ्रॉड में शामिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो सारे के सारे प्रायर डिफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे पुराने डिफेक्ट्स क्या हैं, वो क्लेंस्ड हो जाएंगे, पर्स्ड हो जाएंगे, धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट होल्डर के पास आया, लेकिन किसके थ्रू आया, HDC के पास से आया। 54 कहता है अगर इंस्ट्रूमेंट जो है इंडोर्स्ड इन ब्लैंक है तो होगा क्या, इवन इफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर आदमी को पैसे देने हैं लेकिन आपने इंडोर्स कर दिया ब्लैंक में, तो यहां क्या हुआ, करेक्टर इंस्ट्रूमेंट का चेंज हो गया और ये क्या बन गया, बिकम्स व्हाट, बेरर इन नेचर, तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट के रूप में बन जाएगा। 55 का भी पेपर में ध्यान रखिएगा अच्छे से। 55 कहता है क्या परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंस किस चीज का, अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है किसको, ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ब्लैंक में एंडोर्समेंट थी, इनटू फुल में आपने कन्वर्ट कर लिया है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, पहले ब्लैंक था फिर आपने फुल कर दिया है। तो यहां ये कहता है जो इंडोर्सर है, इंडोर्सर को शॉर्ट में लिख रहा हूं इन फुल, तो जो इंडोर्सर इन फुल होगा वो लाइबल नहीं होगा अनलेस इंडोर्स्ड इन फुल। तो दैट मीन्स अगर इंडोर्सर इन फुल आगे किसी को देता है तो वो लाइबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ तभी लाइबल होगा अगर वो खुद इंडोर्समेंट करता है फुल में। 56 कहता है पार्शियल इंडोर्समेंट इनवैलिड होती है, जैसे 1000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसे 600 रुपए में इंडोर्स कर दिया कि आपको इसमें से 600 मिल जाएंगे, तो वो इनवैलिड है। लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है अगर इफ नोट मेंशन्ड, अगर आपने लिख दिया है सम अमाउंट पेड, कि जैसे 1000 रुपए का बिल है, भाई मेरे पास 400 रुपए आ चुके हैं तो पीछे 600 बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं,
रेजिडुअल बैलेंस अमाउंट के लिए आप इसे इंडोर्स कर सकते हैं, डेट इज 56, वरना वो इनवैलिड ही रहेगा। 57 भी एक अच्छा सेक्शन है। 57 कहता आप हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उत्तराधिकारी, क्या नहीं कर सकते आप? कांट नेगोशिएट, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, बाय डिलीवरी ओनली, मतलब जिसने नेगोशिएट करना था उस आदमी की हो गई है मौत। कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स्ड बाय डिजीज्ड, किसी की हो गई है मौत, उसने इंडोर्समेंट तो करी लेकिन क्या नहीं किया, अभी तक उसने डिलीवर नहीं किया था और उसकी हो गई मौत, तो क्या उसके घर वाले सिर्फ अगले को पकड़ाते हुए इसको नेगोशिएट कर सकते हैं? 57 कहता है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 58, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय आपके पास आता है अनलॉफुल मींस से, अनलॉफुल आप फ्रॉड कहें, मिस रिप्रेजेंटेशन कहें, गिरा हुआ आपने उठा लिया, चोरी हुआ, जो भी हुआ, कुछ भी रीजन कहें आप। तो यहां पे ये कहता है, मेन पॉइंट कहता है एचडीसी को एक प्रिविलेज, जिसका मतलब है एक बेनिफिट रहेगा, कि जो पार्टी लाइबल है वो ये नहीं कह सकती कि मुझसे ये इंस्ट्रूमेंट जबरदस्ती अनलॉफुल मीन से लिया गया था। 59, इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया है लेकिन वो डिसऑनर हो चुका था या उसकी डेट निकल चुकी थी आफ्टर दिस डिसऑनर, और कह लीजिए से ओवरड्यू, मतलब मैच्योरिटी पीरियड निकल चुका है। तो 59 एक अच्छा सेक्शन है, जब आपके पास आया, जब डिसऑनर हो चुका है, ओवरड्यू हो चुका है, तो क्या नहीं होगा? नो प्रिविलेज टू एचडीसी, आपको एचडीसी होने का कोई बेनिफिट यहां पे नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ जो डिफेक्ट्स हैं वो कैरी होंगे आपको भी, ट्रांसफरर वाले, आपको एचडीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसी 59 में ध्यान दीजिएगा, एक और हिस्सा ये आता है, इसे बी पार्ट करके लिख सकते हैं, अगर एकोमोडेशन बिल है, एकोमोडेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी की सहायता करना, जैसे आपने अपने दोस्त की सहायता के लिए एक्सेप्ट किया तो देखा जाए कॉन्सिडरेशन मिसिंग है, लेकिन अगर एकोमोडेशन बिल आगे से आगे इंडोर्स होते एचडीसी के पास हो गया आ गया तो उसको प्रिविलेज रहेगा, उसको यहां पे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। देन सेक्शन नंबर 60 कहता है आप नेगोशिएशन कब तक कर सकते हैं? तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं टिल, नेगोशिएशन टिल कब तक? मैच्योरिटी डेट तक, आगे से आगे करते जाइए, या यूं कह लीजिए पेमेंट कह सकते हैं, या सेटिस्फेक्शन, जब तक इंस्ट्रूमेंट की क्या ना हो जाए, पेमेंट ना हो जाए, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो टिल पेमेंट और मैच्योरिटी, कहने का मतलब उसके बाद नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बाय कह लीजिए मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर, वो आफ्टर मैच्योरिटी भी कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा यहां पे चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ऊपर लिख के दिया था आपको। चैप्टर नंबर जो 5 है वो ऑलरेडी कोर्स में से हटा दिया गया है, चैप्टर 6 भी हटा दिया गया है, तो डैट मीन्स 81 सेक्शन तक हमारे कोर्स में नहीं है, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज चैप्टर नंबर 7। सो चैप्टर नंबर 7 में आता है, डेट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, आप अपनी लाइबिलिटी से क्या बच सकते हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, और ये है सेक्शन नंबर 82 से लेके 90 तक। तो सेक्शन नंबर 82 कहता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी ऑफ, अगेन मैं कोड की वही इस्तेमाल करूंगा जैसे मैंने कहा था, आप पूरा लिख भी सकते हैं, बार बार वर्ड आ भी जाएगा कई जगह, माई मेकर एक्सेप्टर इंडोर्सर, ये अपनी लाइबिलिटी से बच सकते हैं। अब कैसे, अगर एक कोड की से लिख दूं तो अगेन इसे मैं कहता हूं सीपीआर, जिसको मतलब होता है आर्टिफिशियल किसी को ब्रीथिंग देना, वहीं से कोड की है। सी से क्या हो गया, देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए,
पी से अगर आपने इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ही कर दी तो बात ही खत्म, आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए या रिलीज, आपको आपकी लायबिलिटी से आजाद कर दिया गया है। 83 कहता है कौन अपनी लायबिलिटी से बचेगा। 83 कहता है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज, हर प्रायर पार्टी जो है अपनी लायबिलिटी से बच जाएगी। कब बच जाएगी, अगर आपने क्या किया है अलाउड ड्रॉई, अगर आपने ड्रॉई को अलाउ किया है बिल ऑफ एक्सचेंज में और अलाउ किए हैं उसको मोर देन 48 आवर्स, किस चीज के लिए, फॉर एक्सेप्टेंस। देखिए एक्सेप्टेंस के लिए 48 घंटे मिलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे, आपने उससे ज्यादा दिए हैं तो प्रायर पार्टीज क्या हो जाएंगी, यहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगी। 84 कहता है कि यहां पे अपनी लायबिलिटी से कौन आजाद हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर यहां पे चेक का है, ड्रॉर ऑफ चेक, लेकिन वो अपनी लायबिलिटी से कब बचेगा, अगर इफ अनरीजनेबल डिले है इन प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, जिसका मतलब ये हो गया, देखिए चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 महीने, वरना वो क्या हो जाता है, स्टेल हो जाता है। तो अगर अनरीजनेबल डिले है इन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, किसने डिले किया, नेचुरल है, बाय पे ही कह लें, होल्डर कह लें, होल्डर इन ड्यू कोर्स कह लें, उसको बैंक के पास लेके जाना था, 2 महीने बाद गया, हुआ क्या, अगर इस दौरान मान लीजिए जो ड्रॉई है डेट इज बैंक क्या हो गया, मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसमें ड्रॉर का कोई कसूर नहीं है तो ड्रॉर अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा और आप सिर्फ ड्रॉई से ही प्रोपोर्शनेट पैसा ले पाएंगे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। 85 में अपनी लायबिलिटी से कौन बच रहा है, डेट इज ड्रॉई, अगेन ड्रॉई किस चीज का, चेक का, और चेक के केस में हम ड्रॉई को क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में आप कह लीजिए पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर अपनी लायबिलिटी से बच सकता है, यहां पे 2 सबसेक्शन है, पहला कहता है अगर ऑर्डर चेक है, तो ऑर्डर चेक है चाहे इवन इफ इंडोर्समेंट इज पोस्ट, मतलब देखिए इंडोर्समेंट किसने करनी है, इंडोर्सर ने करनी है, इंडोर्सर के साइन का स्पेसिमेन पेइंग बैंक के पास नहीं होता तो उसके साइन फर्जी हैं, तो इसमें पेइंग बैंक का कोई कसूर नहीं है। सबसेक्शन 2 कहता है अगर बेरर चेक है, अगर बेरर चेक है तब भी बैंक बच जाएगा इवन इफ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि आगे इंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन देखिए जब तक वर्ड बेरर है, वंस बेरर ऑलवेज बेरर, तो ये एक एग्जाम के लिए अच्छा देखिए 85 सेक्शन है। देर आफ्टर 85A में हम पढ़ के आते हैं बैंक ड्राफ्ट के बारे में, तो बैंक ड्राफ्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए होता है। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है, ये एक ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ड्रॉन बाय वन ब्रांच या ऑफिस कह लीजिए, किसका, ऑफ वन बैंक ओवर अनदर ब्रांच या ऑफिस, किसका, ऑफ सेम बैंक, एक ही बैंक से पैसे ट्रांसफर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। 86 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 86 में हम पढ़ते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस तो करी है लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। तो यहां पे क्या आप कंडीशन लगा सकते हैं या नहीं, तो देखिए 2 बातें हैं, यस आप लगा सकते हैं विद कंसेंट, लेकिन पूछ के किसकी, ऑफ होल्डर, लेकिन अगर क्या है, अगर ये विदाउट है कंसेंट ऑफ होल्डर तो क्या होगा, मे ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड, तो आप मान लेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। अब क्वालिफाइड इन एक्सेप्टेंस किस तरह की हो सकती हैं, इनका नेचर कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए, तो हम कई तरह की ये कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कोई कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे भाई पैसे देंगे जब हमारे पास होंगे, पेबल वेन इन फंड्स। नंबर 2 ये आपने कंडीशन लगा दी, एक्सेप्टेड पेबल
लेसर फंड्स कि हम कम पैसे देंगे, 500 का बिल है भाई 400 देंगे, ये कंडीशन आपने लगा दी। आपने टाइम वगैरह कह लीजिए चेंज कर दिया, मान लो 2 महीने था, आपने कहा भाई 5 महीने बाद पैसे देंगे। प्लेस है कि कहां पेमेंट होनी है, अगर स्पेसिफाइड है प्लेस तो आपने उसे क्या कर दिया चेंज, डेल्टा लिख रहा हूं चेंज की जगह। और अगर प्लेस नॉट स्पेसिफाइड है तो आपने क्या कर दिया कि मैं तो पैसे यहां दूंगा। देन पांचवा पॉइंट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में बनता है, अगर ड्रॉई जो है एक से ज्यादा है और वो पार्टनर्स नहीं है, मतलब ड्रॉई मोर देन वन है पार्टनर्स नहीं है, तो साइन सबने करने होते हैं, नॉट साइंड बाय ऑल, तो ये भी कंडीशन होगी। तो इस तरह से क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है। 87 सेक्शन अगेन इज अ गुड वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मटेरियल ऑल्टरेशन मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट में भारी बदलाव कर दिए हैं, तो मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब ही क्या है, जिससे किसी के लीगल ऑब्लिगेशन या राइट्स के ऊपर फर्क पड़े, मतलब चेंज हो गया लीगल पोजीशन। तो देखिए आप किसी की लीगल पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, अगर इस तरह की ऑल्टरेशन है तो स्वाभाविक है ये क्या होगी, वॉइड होगी। अब मटेरियल ऑल्टरेशन कब हो सकती है, व्हेन, तो इसमें मैं कोड की दे रहा हूं, डेट इज इसे मैं कहता हूं डर किससे, कमिश्नर ऑफ पुलिस से। जैसे आपने डी से क्या चेंज कर दिया, डेट, ए से आपने चेंज कर दिया अमाउंट, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी से कलेक्टिंग बैंक का नाम अगर क्रॉस चेक है, पी से आपने पेई का नाम चेंज कर दिया, एस से आपने स्टैंप ड्यूटी में कुछ चेंज कर दिया, उससे भी अमाउंट के ऊपर फर्क पड़ता है। देन हम इसको रिवर्स पढ़ेंगे कि ये मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इसमें भी कोड की से बात करेंगे। आई सी इस तरह से कह सकते हैं आप, यहां आई में क्या किया, इंसर्शन ऑफ वर्ड्स, आपने एड कर दिए शब्द, और ऑर्डर, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे पे टू एक्स, अगर आप उसके आगे लगा दें और ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई से ही आपने क्या किया, आपने इनकोएट इंस्ट्रूमेंट था जिसका मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, उसे आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। देन आई से इंडोर्समेंट थी वो इन ब्लैंक थी, तो इन ब्लैंक से आपने उसे क्या कर दिया, ऑब्वियसली आपने उसे फुल में कन्वर्ट कर दिया, ये आप कर सकते हैं। सी से कंसेंट के साथ ऑल्टरेशन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी से चेक की बात हो रही है, क्रॉसिंग आफ्टरवर्ड्स कोई भी कर सकता है, चेक जारी होने के बाद कोई भी कर सकता है। और सी से ही क्रॉसिंग जो होती है चेक की, ये आपने चेंज करी है, जैसे जनरल क्रॉसिंग थी स्पेशल कर दिया या नॉट नेगोशिएबल वगैरह कर दिया, जिसके ऊपर हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। देन सेक्शन नंबर 88 के अंदर आता है आपका, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, तो यहां हम थोड़ा रिवर्स वे में ये पढ़ रहे हैं कि अगर पहले से ही ऑल्टरेशन हुई पड़ी है, प्रीवियस ऑल्टरेशन, कहने का मतलब है कब, बिफोर एक्सेप्टेंस, आपके एक्सेप्टेंस करने से पहले, आपके इंडोर्समेंट करने से पहले ही कुछ ऑल्टरेशन हुई पड़ी है तो क्या होगा, एक्सेप्टर और इंडोर्समेंट में इंडोर्सर, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बाउंड, मतलब ये लाबल रहेंगे, ये अपनी लाबिलिटी से बच नहीं सकते, रिवर्स में हो गया। 89 में अपनी लाबिलिटी से बच रहा है पेइंग बैंक, क्योंकि यहां क्या है, ऑल्टरेशन है वो दिखाई नहीं दे रही है, जैसे चेक के केस में मैं हमेशा कहता हूं स्लैश लगाओ, फिगर्स में लिख रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखो, वर्ड्स में ओनली लगाओ, तो अगर ऑल्टरेशन अपेरेंट नहीं है तो क्या होगा, पेइंग बैंक या जिसे हम कहते हैं ड्रॉई, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, क्योंकि उसकी यहां पे गलती नहीं है। आखिरी सेक्शन देखिए, इसको कहते हैं खत्म हो जाना आपका राइट ऑफ एक्शन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ एक्शन, आसान भाषा में इसे हम कहते हैं कि आप एक्सेप्टर हो, आपके लिए बिल पेबल है और वो घूम फिर के आपके पास ही आ गया, तो कहने का मतलब है व्हेन
एक्सेप्टर बिकम्स होल्डर, तो आपका बिल पेबल आपके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, तो ऑब्वियसली आप अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएंगे, यहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसके साथ ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर यहां पे 7 समाप्त होता है और अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। और चैप्टर नंबर 8 जो है ये डील करता है नोटिस ऑफ डिसऑनर। देखिए डिसऑनर हुआ है तो आपने उसका नोटिस देना है, एंड दिस कम्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 91 से लेते हुए 98 तक। तो सेक्शन नंबर 91 कहता है कि भाई डिसऑनर तो हो गया है, राइट। तो डिसऑनर की वजह दरअसल दो होती हैं, तो 91 92 दोनों सेक्शन अच्छे हैं, 91 काफी अच्छा है। तो 91 कहता है डिसऑनर क्यों हुआ है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अब ये आपको पता है एक्सेप्टेंस सिर्फ किस केस में चाहिए होती है, बिल के केस में चाहिए होती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल के केस में। और 92 क्या कहता है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं हुई ड्यू डेट पे, किसकी पेमेंट नहीं हुई, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तीन, नोट बिल एंड वॉट चेक। तो यहां पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल की एक्सेप्टेंस नहीं हुई, नहीं भी हुआ तब भी हम इसे मानते हैं डिसऑनर। तो इसके अंदर 91 के अंदर क्या बताए गए हैं, 6 ग्राउंड्स बताए गए, तो उसको मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं कि जहां हम बाय नॉन एक्सेप्टेंस मान लेंगे। पहला क्या है, देखिए जो ड्रॉई है वो या तो फिक्टिशियस है, ये हमने सेक्शन 17 में भी देखा था, या वो इनकॉम्पिटेंट है। तो इसको आप दो पॉइंट ले लेंगे ड्रॉई से रिलेटेड। देन अगर ड्रॉई एक से ज्यादा है तो साइन तो देखिए सबने करने होते हैं, अगर वो पार्टनर्स ना हो तो आप हैं ज्वाइंट ड्रॉई, साइन सभी ने करने हैं लेकिन साइन नहीं की। तीसरी बात है ड्रॉई को हम देते हैं एक्सेप्टेंस के लिए 48 आवर्स, तो 48 घंटे एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे होते हैं और ये एक्सपायर हो गए, तो ये बन गए 4 पॉइंट यहां पे, क्योंकि पहले पॉइंट में मैंने ड्रॉई के 2 लिख दिए थे। इसके बाद ड्रॉई क्या कर रहा है, क्या हुए जो हमने 86 में पढ़ा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर रहा है। और लास्ट पॉइंट ड्रॉई आफ्टर रीजनेबल सर्च नॉट फाउंड, हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो 6 कंडीशंस हैं, ये अच्छे से आना चाहिए। देन 93 कहता है कि नोटिस देना है, कौन देगा, किसको देगा, मतलब नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय टू कौन देगा। तो नेचुरली जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो देगा, किसको देगा, ऑब्वियसली आप अपनी प्रायर पार्टीज जिससे आप पैसा लेना चाहो, कोई भी प्रायर पार्टी जिसको आप लाइबल करना चाहते हैं, जिससे आप पैसा लेना चाहते हैं, नॉर्मली तो ये होता है ऑब्वियसली योर इमीडिएट जो आपसे पहले इंडोर्सर है। देन 94 कई चीजें कह जाता है, 94 ये कहता है कि जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है ये लोग भी दे सकते हैं, नोटिस ऑफ डिसऑनर के कंटेंट्स क्या होंगे, नोटिस ऑफ डिसऑनर कब देना है, कहां पे देना है, तो कई चीजें हैं। तो इसमें बताया गया है नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं आप दें, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, तो कोर्ट अपनी तरफ से क्या अपॉइंट करती है, एक ऑफिशियल रिसीवर, या मौत हो गई हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या नॉर्मल वे में भी आप अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है, आपका एजेंट दे सकता है, या इंसॉल्वेंट हो गए हो तो ऑफिशियल रिसीवर कहो, या आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं असाइनी। कंटेंट्स क्या होंगे, आप ये लिख के दोगे फैक्ट ऑफ डिसऑनर कि डिसऑनर हो गया, टाइम क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्लेस क्या होगा जहां अगला का बिजनेस है, लेकिन अगर बिजनेस प्लेस नहीं है, इफ नॉट तो अंडरस्टूड है, उसके घर पे आप नोटिस दे दीजिए। ये है 94। 95 क्या कहता है, 95 कहता है अगर आगे से आगे इंडोर्समेंट हुई पड़ी है
होल्डर ने नोटिस दिया, अब वही नोटिस आप आगे से आगे ट्रांसमिट, जिसका मतलब है फॉरवर्ड करते जाएं। तो ड्यूटी है आपकी क्या करें, टू ट्रांसमिट, आसान वर्ड लिख सकते हैं आप फॉरवर्ड, आगे से आगे नोटिस ऑफ डिसऑनर फॉरवर्ड करते जाएं, क्योंकि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो नोटिस तो देना पड़ेगा। 96 कहता है अगर नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया गया है एजेंट को, मतलब मालिक को नहीं दिया गया, तो एजेंट को दिया गया है तो ये कहता है उसको भी टाइम जो है, जैसे किसी होल्डर को मिलता है टाइम, वही टाइम रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। और फिर एजेंट आगे, क्योंकि एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को देखिए ये नोटिस देना है, और फिर प्रिंसिपल को 96 कहता है फर्दर लाइक पीरियड मिले, कि आगे उसने किसी को देना है नोटिस तो दोनों को ये एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही चाहिए जैसे नॉर्मल किसी को मिलता है। 97 में कहता नोटिस ऑफ डिसऑनर है लेकिन जिसको आपने दिया वो आदमी मर चुका है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज 94 में क्या आती है वो ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां इसके 94 में ही है दरअसल समझाए आ रहा हूं। आप राइटिंग जो नोटिस देंगे उसका तरीका क्या रहेगा, देखिए ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर पोस्ट से भेजा उसका मिस कैरी हो गया, मतलब पहुंचा ही नहीं, तो भी ये क्या रहेगा, एक वैलिड नोटिस ही रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें इसके साथ 97 के साथ क्लिक करना चाहिए, कि आपने एक डेड पर्सन को भेज दिया तो क्या ये वैलिड नोटिस होगा, तो लॉ कहता है ये वैलिड होगा अगर आप इफ इग्नोरेंट ऑफ डेथ, मतलब आपको उसकी मौत का पता ही नहीं है, तो ये वैलिड रहेगा। और लास्ट में सेक्शन नंबर 98 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये कहता है नोटिस ऑफ डिसऑनर व्हेन नॉट नेसेसरी, मतलब एक्सक्यूज मिल रहा है, आपको नोटिस देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कब नहीं है आपको नोटिस देने की, जब ये डिस्पेंस कर दिया गया, डिस्पेंस को मतलब आप आसान वर्ड कह सकते हैं वेव्ड, जैसे हम पढ़ के आए थे फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, वेव कर दिया गया है, या जिस आदमी को नोटिस देना है उसको कोई लॉस ही नहीं है तो नोटिस दो या ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या जैसे चेक होता है हमने क्या करवा दी उसकी काउंटर मैंडेड पेमेंट, स्टॉप पेमेंट करवा दी, या क्यों नहीं दिया एक्सीडेंटल ओमिशन है जैसे कोविड हो गया, ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है सेम पर्सन है, प्रॉमिसरी नोट है नॉट नेगोशिएबल, वो आप नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। जैसे मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करके बता दूं, देखिए आरबीआई का एक सेक्शन 31 है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, वो ये कहता है क्योंकि इस एक्ट के ऊपर आरबीआई का ओवरराइडिंग सुपीरियर इफेक्ट है कि प्रॉमिसरी नोट आप नहीं बना सकते, कांट बी मेड पेबल टू बेरर, मतलब बेरर वाला आप प्रॉमिसरी नोट बना ही नहीं सकते, सिर्फ ऑर्डर बना सकते हैं, सिर्फ दो लोग ही बना सकते हैं एक्सेप्ट आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर दो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ये है, कांट बी मेड पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, जिसका मतलब हो गया बेरर हो सकता है लेकिन सिर्फ डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिमांड टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिमांड नहीं हो सकता, सिर्फ दो लोग बना सकते हैं एक्सेप्ट आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट में है कि कब नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जब पार्टी जो लाबल है अनकंडीशनली, मतलब बिना किसी कंडीशन के प्रोमिसेस टू पे, वो कहती है कि यस आई मेक द पेमेंट। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके बाद देखिए
चैप्टर 8 हो गया, 9 एंड 10 मैंने पहले बता दिया था हमारे कोर्स में नहीं है, और इसके साथ हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। चैप्टर नंबर 11 जिसका थोड़ा सा जिक्र पहले भी आया था, एक वर्ड है एक्सेप्टेंस और दूसरा वर्ड है एंड पेमेंट, और इन दोनों के साथ एक कॉमन वर्ड है फॉर ऑनर, फॉर ऑनर। साथ में इसी चैप्टर में एक चीज और आती है, डेट इज एंड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। इसको मैं अलग से लूंगा एक बार। ये जो आपका चैप्टर है ये 108 से लेके 116 तक है। फॉर ऑनर, ऑनर का मतलब है किसी के सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। तो दरअसल यहीं से इन दोनों का आंसर निकाल देता हूं। मोटा मोटा मैं कहूं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर आता है 108 से 112 तक, और यहां पे दो सेक्शन है 113 एंड 114। एग्जैक्टली अगर बोलूं तो यहां सेक्शन 108 कह लो उसका आंसर एंड 113 का आंसर सेम है। ये क्या कहता है, आपने एक्सेप्ट किया फॉर ऑनर। कहने का मतलब है, पहली बात तो ये क्या हो गया, आपका एक ये वॉलंटरी एक्ट है, अपनी मर्जी से आप कर रहे हो, किसी के लिए एक्सेप्ट या पेमेंट कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो आप, किसके लिए एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो बिल की बात आ गई ना, इन फेवर ऑफ, या तो ड्रॉअर के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या एनी ऑफ पार्टीज, या सिंपल कह लीजिए किसी भी इंडोर्सर के लिए। और इन केस ऑफ पेमेंट अगेन आप कहेंगे आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हो, तो एनी ऑफ पार्टीज कह लीजिए, यहां पे इंडोर्सर भी हो सकता है, ड्रॉई भी हो सकता है। तो 109 कहता है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी के ऑनर के लिए, तो उसका तरीका क्या होगा, नेचुरल है एक्सेप्टेंस करनी है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था राइटिंग में होती है, जिसका कहने का मतलब है आप साइन करोगे और आप नेम ऑफ पार्टी किसके लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो बताओगे आप। और अगर आप नाम नहीं बताएंगे, अगर आपने नाम नहीं बताया, तो यहां पे सेक्शन 110 कहता है, हम प्रज्यूम कर लेंगे कि आपने एक्सेप्ट किया है फॉर होल्डर, फॉर ड्रॉअर, एंडोर्सर नहीं, बल्कि आप मान लेंगे आपने किसी ड्रॉअर के लिए एक्सेप्ट किया है। देन 111 ये कहता है, अब आपने जब एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको पेमेंट करनी होगी। एक्सेप्ट किया है तो पेमेंट तो करोगे आप, कब करोगे, मेच्योरिटी डेट कहो या ड्यू डेट कह लो। एंड 112 कहता है नेचुरल है आप लापल रहेंगे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पेमेंट तो तभी करोगे ना जब आप लायबल हो टुवर्ड्स सबसीक्वेंट पार्टीज। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पेमेंट फॉर ऑनर कर रहे हैं, तो दो सेक्शन जैसे 113 एंड 114, तो 114 भी यही कहता है कि भैया आपने पेमेंट तो किसी के लिए करनी ही है, कर दी है। और एक कंडीशन में यहां पे और ऐड करूं तो वो ये है कि नोटिंग कहें या प्रोटेस्ट, मतलब डिसऑनर हुआ है उसके बाद आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। सेम वे यहां पे भी नोटिंग और डिसऑनर हुआ है इसलिए नोटिंग करवाया है या प्रोटेस्ट, लेकिन ये चैप्टर कोर्स से हटा दिया गया है तो इसलिए कोई जरूरी भी नहीं है आप लिखें। और साथ में देखिए आपको यहां पे एक राइट रहेगा टू रिकवर, जिस आदमी के ऑनर के लिए आपने एक्सेप्टेंस करी है, पेमेंट करी है, आप उससे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। नाउ गोइंग टू ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, ये एक अलग से कंसेप्ट हमारा बन जाता है। तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड की अगर हम बात करें, इसके ऊपर दो सेक्शन आ जाते हैं, जिसपे से कह लीजिए हमारे को कोर्स के लिए रेलिवेंट 115 बनता है, 116 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एडिशनल ड्रॉई है, एडिशनल एक एक्स्ट्रा ड्रॉई क्रिएट किया है ड्रॉ ने, क्योंकि उसे डाउट है कि हो सकता है कि ड्रॉई एक्सेप्ट ना करे, तो भाई ये आदमी एक्सेप्ट कर लेगा अगर जरूरत पड़े तो।
तो यहां पे 115 ये कहता है कि हम डिसऑनर नहीं मानेंगे, नो डिसऑनर, जब तक अनलेस डिसऑनर्ड बाय सच ड्रॉइंग। तो ये एडिशनल ड्रॉइंग जब तक डिसऑनर नहीं करेगा तो हम इसे डिसऑनर नहीं मानेंगे। और 116 ये कहता है कि भाई पेमेंट करनी है, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, एक्सेप्ट भी करेगा एंड पेमेंट भी करेगा, ये ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड और विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बताया गया था कि ये एक एक्स्ट्रा ड्रॉइंग है तो वो एक्सेप्ट भी करेगा एंड पे भी करेगा। तो यहां पे ये चैप्टर 116 पे आके देखिए समाप्त होता है। और मैंने ये बताया था कि चैप्टर नंबर 12 जो है वो कोर्स में नहीं है क्योंकि स्टडी मैट में नहीं दे रखा। इसके साथ हम पहुंच गए जी हमारे चैप्टर नंबर 13 में। सो चैप्टर नंबर 13, सो चैप्टर नंबर 13 कहता है रूल्स ऑफ एविडेंस, सबूतों की बात करता है। और ये हैं आपके सेक्शन 118 से लेते हुए 122 तक। और सेक्शन 118 अच्छा सेक्शन है, ये डील करता है प्रजम्पशंस के ऊपर। कुछ प्रजम्पशंस हम मान के चलेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो हम ये प्रजम्पशन मान के चलेंगे। एक हम मान के चलेंगे कॉन्सिडरेशन हमेशा है तभी ये चेक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना है, पक्का मान के चलेंगे, प्रज्यूम्ड बाय डिफॉल्ट। देन देखिए बिल के केस में एक्सेप्टेंस होती है तो हम मान के चलेंगे जो डेट डली हुई है इसी दिन ये एक्सेप्ट हुआ है। देन ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, देखिए एंडोर्समेंट आगे से आगे होती है, जो ऑर्डर हमें दिख रहा है ए टू बी, बी टू सी, तो हम मान के चलेंगे यही ऑर्डर है, नहीं है तो आप साबित करो। हम मान के चलेंगे कि जो टाइम है ऑफ एंडोर्समेंट, कि जो भी एंडोर्समेंट हुई है वो कब हुई है, बिफोर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी से पहले हुई है। हम ये मान के चलेंगे कि स्टैंप ड्यूटी पेड है, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, इज लॉस्ट, ये मान के चलेंगे गुम गया कि स्टैंप ड्यूटी दी गई थी। देन लास्ट में हम ये मान के चलते हैं एवरी होल्डर, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के बड़े बेनिफिट है। 119 मैं कहूंगा हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है, मतलब ये क्रॉस है एक तरह से। ये सिंपल है, ये भी प्रजम्पशन है, इसे आप छोड़ सकते हैं। ये किससे रिलेटेड है, एज टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब आपने एक सर्टिफिकेट लिया है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, किस चीज के लिए लिया जाता है, डिसऑनर। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो अंडरस्टूड है कि इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। अगले जो तीन सेक्शन आते हैं इसको एक विंडो में दे रहा हूं, एक हेडिंग दे रहा हूं, यूं कह लीजिए एक रोक लगा रहे हूं, स्टोपल, मतलब आप मुकर नहीं सकते। ये तीन सेक्शन है 120, 21, 22। तो यूं कह लीजिए स्टोपल हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, ऑन 120 में मोटा मोटा मैं कहूं पार्टी प्राइमरली लाबल कह लीजिए, जैसे हम कहते हैं मेकर, नंबर दो आपका देखिए ड्रॉई, पेइंग बैंक की बात कर रहा हूं यहां, एक्सेप्टर, नंबर चार
इवेंट ड्रॉअर की बात। तो यहां पे चार लोगों पे था, 121 में स्टॉपर लग रहा है मेकर के ऊपर अगर नोट है, और एक्सेप्टर के ऊपर क्योंकि इनकी क्या है प्राइमरी लायबिलिटी है। 122 में लग रहा है इंडोर्सर के ऊपर कि ये मुकर नहीं सकते, बट किस से रिलेटेड अगेंस्ट। दरअसल ये लोग देखिए अगर गौर करें हम, इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए हैं, इन्होंने पैसे देने हैं, और अब ये क्या कह रहे हैं डिनाइंग, ये मना कर रहे हैं ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये मुकर नहीं सकते क्योंकि बनाने वाले ये हैं। और 121 में ये लोग अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पेई टू इंडोर्स। देखिए हर एक जो पेई होता है उसको पैसे मिलने हैं तो वो कभी भी आगे इंडोर्स कर सकता है, आप ये नहीं कह सकते वो इनकैपेबल है। तो ये सब उलझुल बातें कर रहे हो आप ताकि आप अपनी लायबिलिटी से बच सको, तो आप ऐसा कह नहीं सकते। और इंडोर्सर लायबल होता है इंडोर्सी की तरफ, तो ये अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए क्या कह रहा है, डिनाइंग साइन एंड कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। तो ये मुकर नहीं सकता क्योंकि इंडोर्सी क्या कहेगा, भाई साहब मुझे नहीं मालूम प्रायर पार्टीज केपेबल है या नहीं, उनके साइन है या नहीं, मेरे को तो एंडोर्समेंट किसने करी है, आपने करी है। तो ये तीन पॉइंट दरअसल हम किस ढंग से पढ़ते हैं, ये हम प्रिविलेजेस पढ़ते हैं एचडीसी के, कि अगर आप एचडीसी है ना तो ये लोग मुकर नहीं सकते, ये आपको बेनिफिट है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, वो होती है फोर्जरी। अगर आपके साइन जाली हैं तो आप कभी भी लायबल हो नहीं सकते क्योंकि आपके वो साइन है ही नहीं। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त, और इसके साथ हम पहुंच गए हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, डेट इज क्रॉस चेक के ऊपर। सो चैप्टर नंबर 14 क्रॉस चेक सेक्शन 123 से लेते हुए 131 ए तक। तो 123 डील करता है पहली क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस खींच देते हो एट द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक। एंड 124 में क्या आता है, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या करना होता है, यहां पे ये दो लाइनें मारना क्या था, मस्ट था, ये पैरेलल लाइंस जरूरी मस्ट कंडीशन थी। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है, मस्ट कंडीशन ये है कलेक्टिंग बैंक का नाम, किस बैंक से पैसे आप ले सकते हो। विथ और विदाउट लाइंस, ये ट्रांसवर्स लाइंस आपने मारी है या नहीं मारी है इससे फर्क नहीं पड़ता। और 125 कहता है क्रॉसिंग कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, एनीवन आफ्टरवर्ड्स, इवन ड्रॉर ने चेक दे दिया उसके बाद भी कोई क्रॉसिंग कर सकता है। 126 कहता है क्रॉस चेक के पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे मिलेंगे थ्रू, देखिए जनरल क्रॉसिंग है या स्पेशल क्रॉसिंग है उसके वो हमें देखना होगा। अगर जनरल क्रॉसिंग है तो कोई भी कलेक्टिंग बैंक, स्पेशल क्रॉसिंग में कलेक्टिंग बैंक का आप नाम लिख देते हो कि सिर्फ इसी बैंक से पैसे मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंक से ही पैसे मिलेंगे। 127 डील करता है क्या स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन एक बार से ज्यादा की जा सकती है, स्पेशल क्रॉसिंग जहां आपने कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखा, हां की जा सकती है ओनली बाय कलेक्टिंग बैंक और इट्स एजेंट फॉर स्पीडी कलेक्शन, सिर्फ बैंक ही कर सकता है कलेक्टिंग बैंक और कोई कर नहीं सकता। 128
128 कहता है भाई हम एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब ये प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं? टू पेइंग बैंक, पेइंग बैंक को, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं। अगर इफ अगर उसने पीडीसी किया, व्हाट इज पीडीसी, पूरा लिख सकते हो, अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स करी है, मतलब क्रॉस चेक है, तो उसने पेमेंट किसको करी? कलेक्टिंग बैंक को करी, आपका नाम देख करके, अमाउंट देख करके, डेट देख के, मींस एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो उसको प्रोटेक्शन है। कहने का मतलब है इवन इफ चाहे गलत आदमी पैसे ले जाए, नॉट टू ट्रू ऑनर, जैसे राहुल है उसको चेक दिया और किसी गलत राहुल ने उठा लिए, तो इसमें पेइंग बैंक बेचारा कुछ नहीं कर सकता। 129 रिवर्स जाता है, कहता कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी पेइंग बैंक को इफ पेमेंट अगर आपने करी है आउट ऑफ ड्यू कोर्स, मतलब आपने पेमेंट ड्यू कोर्स में नहीं करी। जैसे अगर क्रॉस चेक है तो आपने कलेक्टिंग बैंक को पैसे देने थे, आपने पैसे किसको दे दिए? ओवर द काउंटर कर दिए, तो ओवर द काउंटर तो कर ही नहीं सकते, बेरर ऑर्डर चेक नहीं है, तो यहां पे आप क्या होंगे? लाबल होंगे। 130 वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो ये कुछ नहीं है, वही जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग में जैसे हमने कहा था दो लाइनें मारनी है, उसके अंदर आपने एनएन लिख दिया या आपने पूरा वर्ड भर दिया नॉट नेगोशिएबल, राइट। स्पेशल क्रॉसिंग में हमने कहा था लाइन मारो या ना मारो, जैसे आपने लिखा पैसे मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, साथ में भर दिया आपने एनएन वर्ड। तो इन दैट सिचुएशन, तो ये जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि चेक नेगोशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये है पहली बात, जो टाइटल है किसका ऑफ ट्रांसफरी, ये बेटर नहीं होगा, नॉट बेटर देन दैट ऑफ ट्रांसफर। कहने का मतलब ये है अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव था तो आपको भी डिफेक्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कांट बी एचडीसी, एचडीसी होने का आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 130 कह रहा है, जब भी चेक नेगोशिएबल ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए हर जगह जो क्रॉस चेक है वो नेगोशिएबल ही रहता है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में नेगोशिएबल नहीं रहता, जहां हम वर्ड क्या फिल करते हैं, अकाउंट पे। 131 कहता है प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक। देखिए कलेक्टिंग बैंक का काम है पैसे लेके आना, किसके लिए? पे के लिए, क्योंकि उसका अकाउंट उसके पास है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी अगर उसने पेमेंट किस में ली है? ड्यू कोर्स में, मतलब गुड फेथ में, उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस एज सच नहीं होनी चाहिए, तो उसको प्रोटेक्शन रहेगी। यहां पे ये हमारा चैप्टर नंबर 14 का लास्ट सेक्शन आता है 131A, ये कहता है प्रोविजंस ऑफ क्रॉस चेक, क्रॉस चेक की प्रोविजंस लगेंगी किसके ऊपर? लगेंगी बैंक ड्राफ्ट के ऊपर। तो बैंक ड्राफ्ट भी हमेशा बिल्कुल क्रॉस चेक की तरह ही बनेगा। देखिए चैप्टर नंबर 15 मैंने बताया था हमारे कोर्स में नहीं है, चैप्टर 16 जो है उसका सिर्फ एक ही सेक्शन इन्होंने कोर्स में डाला है, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ। ये चैप्टर आता है सेक्शन नंबर 134 से 137, तो सिर्फ एक ही सेक्शन हम पढ़ेंगे जो कोर्स में है, दैट इज 134।
तो 134 डील करता है लायबिलिटी, हम बात किसकी करें, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की, इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो हमने सेक्शन 12 में पढ़ा, किसकी लायबिलिटी, ये कहता है दो लोगों की लायबिलिटी, दोनों के लिए लॉ अलग अलग होगा, लायबिलिटी ऑफ मेकर कह रहे हैं जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया, लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर एंडोर्सर। कहता है जहां तक मेकर ड्रॉअर का सवाल है, लायबिलिटी के लिए लॉ कौन सा लगेगा, ऑफ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड, जहां इंस्ट्रूमेंट बना, और इनके लिए लायबिलिटी ऑफ प्लेस वेयर, टिक का मतलब है सेम लाइन, वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल, जहां इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी थी, तो इनके लिए जहां बना जहां उसकी पेमेंट होनी थी, बस ये एक सेक्शन आता है इस पे। तो इसके बाद हम पहुंच गए हमारे आखिरी चैप्टर पे, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 17। सो चैप्टर नंबर 17 डील करता है डिसऑनर ऑफ चेक के ऊपर, सेक्शन 138 से लेते हुए 148 तक। तो 138 कहता है अगर डिसऑनर हुआ है तो लायबिलिटी रहेगी सिर्फ किसकी, ड्रॉअर की, जिसने चेक इशू किया है ओनली, मतलब आगे से आगे अगर चेक दिया गया है आप डेट के लिए लायबल हैं लेकिन आप ड्रॉअर नहीं हैं। तो यहां एक पे एक इंपॉर्टेंट केस आता है, मुल्ला फिरोज वर्सेस सो माया जुल्लू का, सिर्फ ड्रॉअर ही लायबल होगा। लायबिलिटी क्या है, उसको जेल हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, या दोनों बातें हो सकती हैं। जेल लगेगी मैक्स 2 साल की, फाइन होगा ट्वाइस, 2 गुना किसका, जो चेक का अमाउंट है, या बोथ। लेकिन यहां पे 5 conditions आपने ध्यान रखनी है, ए बी सी डी ई। पहली बात आसान वे में लिखूंगा, कॉन्सिडरेशन पक्का होनी चाहिए तभी आप जेल में जाओ अगर बाउंस हुआ है। नंबर 2, रीजन ये है आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इनसफिशिएंट फंड्स, तो आपने चेक क्यों इश्यू किया, इसलिए आप जेल में जाओगे। तीसरा, चेक की प्रेजेंटेशन करनी होती है या प्रेजेंटमेंट कह लीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपने पेश कर दिया, वैलिडिटी पीरियड 3 महीने का है, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। चौथा, जैसे ही डिसऑनर का पेई को पता चलता है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर जब उसे बैंक से पता चला, एक नोटिस देना है ड्रॉअर को कि भाई साहब आपका चेक डिसऑनर हो गया है। तो यहां पे पक्का ध्यान रखें, जिस दिन इसे पता चला उसके 30 दिन के अंदर अंदर। पांचवा है, अब ड्रॉअर ने पैसे देने हैं, जब उसको नोटिस मिल गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर, अगर वो पैसे नहीं देगा तब उसे जेल होगी। 139 कहता है हम हमेशा कॉन्सिडरेशन प्रज्यूम करके चलेंगे, यही 118 में भी हमने देखा, इन फेवर ऑफ होल्डर, हमेशा मान के चलेंगे कि उसने कॉन्सिडरेशन फर्निश करी है। 140 कहता है नो डिफेंस कहें या एक्सक्यूज कहें टू ड्रॉ, और आप जेल जाने से नहीं बच सकते ये कहते हुए डैट हैड नो रीजन, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये डिसऑनर हो जाएगा, तो ये कोई एक्सक्यूज आपके लिए नहीं है। 141 कहता अगर ऑफेंस किया है कंपनी ने, तो यहां ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, चाहे आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप फर्म हो, या कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वगैरह है, तो अगर उन्होंने किया तो लायबिलिटी किसकी होगी, बोथ
कंपनी एंड ऑफिसर्स इन चार्ज, तो ये पक्का याद रखें जो इंचार्ज है। प्रमोटर लाबल होगा तभी होगा अगर वो इंचार्ज है। साथ में कहता हम डीम्ड लाबिलिटी मान लेंगे, कंपनी के महेंद्र सिंह धोनी एंड ऑफिसरों की, व्हाट इज एमएसडी, मैनेजर सेक्रेटरी डायरेक्टर की हम लाबिलिटी मान लेंगे। अगर ये लोग गिल्टी हैं, इनका नेग्लिजेंस है, इन्होंने ध्यान नहीं रखा, तो ये भी लाबल हो सकते हैं। लेकिन ये अपनी लाबिलिटी से बच सकते हैं अगर ये साबित करें कि ये डिसऑनर हुआ है विदाउट देयर नॉलेज। दूसरा ये कहें मैंने पूरा ध्यान रखा था, एक्सरसाइज्ड केयर या जिसे हम कहते हैं डिलीजेंस, तो ये बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इस सेक्शन में लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, एग्जम्पशन है। किसको है? अगर आप नॉमिनी डायरेक्टर हो, किसके, गवर्नमेंट के, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। 142 वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए केस तो करना होगा, तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस, जिसका मतलब है कौन सी कोर्ट में केस चलेगा और कैसे चलेगा। तो ये होगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वहां आप केस करेंगे। ये कंप्लेंट होगी, राइटिंग में होगी, नेचुरल है कौन करेगा, पे ही करेगा, और ये करेगा विद इन 1 मंथ। ये 1 महीना कहां से स्टार्ट होगा, जो हमने ये 5वां पॉइंट यहां पे पॉइंट नंबर ई कि ड्रॉ ने 15 दिन के अंदर जब पैसे नहीं दिए, विद इन 1 मंथ ऑफ, उसके 1 महीने में कर सकते हो आप। लेकिन हां, आपको एक्सटेंशन मिल सकता है सफिशियंट ग्राउंड के ऊपर। और इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कौन सी कोर्ट में आप केस करोगे, कौन सा इलाका, ज्यूरिसडिक्शन। तो यहां 2 बातें हैं, देखिए चेक 2 तरह के होते हैं, या तो क्रॉस्ड या हम जिसे कहते हैं ओपन चेक, ओपन का मतलब अनक्रॉस चेक बेरर ऑर्डर। तो क्रॉस चेक है तो केस कहां करेंगे, जहां पे पेई का कलेक्टिंग बैंक की ब्रांच है, जो पेई है जिसको पैसे नहीं मिले उसका कलेक्टिंग बैंक है, जो ब्रांच बैंक की ब्रांच है, सिंपल कह लो जहां पेई रहता है वहीं पे उसने अपना अकाउंट खुलवाया होगा। और ओपन चेक में जहां ड्रॉर ने चेक जारी किया, किसका, पेइंग बैंक का, जहां उसकी क्या है ब्रांच है, तो वहीं पे आप केस कर सकते हैं। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 143 टॉक्स अबाउट समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब है हम चाहते हैं कि डिसऑनर का जो हमने केस किया उसका डिसीजन फटाफट आए। तो ये है एक्सपीडाइट, मतलब फटाफट केस, फटाफट ऑर्डर, डिसीजन आए। और एक एंडेवर का मतलब है एक एफर्ट लगाना है कोर्ट ने कि वो ये डिसीजन दे दे 6 महीने के भीतर भीतर, वरना उसे रीजंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। देखिए कोर्ट की अब बात हम पहले ही कराए थे, एमएम या जेएम फर्स्ट क्लास, लेकिन यहां पर एक प्रोविजो है, कंडीशन जिसे आप कह सकते हैं, प्रोविजो ये है कि आप जो इम्प्रिजनमेंट देंगे वैसे 2 साल की होती है, लेकिन यहां मैक्स आप 1 साल की ही देंगे, और फाइन 5,000। लेकिन अगर आपको लगता है ये चीज अगर इन्हांस करनी है, बढ़ानी है, तो देखिए नॉर्मल ट्रायल होगा जिसे हम कहते हैं समरी ट्रायल नहीं होगा, समन ट्रायल होगा, वारंट ट्रायल होगा, और उसके लिए आप विटनेस वगैरह दोबारा बुलाओगे। कहने का मतलब है आपको रीहेयर करना है केस वगैरह और पार्टी से को ये बताते हुए। 143A ये 2018 अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुए थे, अच्छे सेक्शन है। इंटरिम कॉम्पनसेशन, देखिए केस चल रहा है, डिसऑनर हो गया है, तो जो भी डिसीजन आएगा उससे पहले हम कह रहे हैं कि भाई साहब पैसे मिल जाएं, कुछ ना कुछ पैसे मिले पेई को, तो ये एक डायरेक्शन दी जाएगी
किसको दी जाएगी? ड्रॉअर को दी जाएगी कि भाई साहब आप मैक्सिमम इतना ये डायरेक्शन दी जा सकती है, मैक्सिमम होगा 20% ऑफ चेक, जितना चेक का अमाउंट है। मान लो चेक है 2 लाख का, 2 लाख का 20% 40,000 आपसे लिए जा सकते हैं ताकि ये पैसे पे को दिए जाएं। और ड्रॉअर ये पे करेगा, उसको ये पेमेंट करनी पड़ेगी 60 दिन के भीतर भीतर जिस दिन ऑर्डर आ गया। हाँ, उसको 30 दिन का फर्दर क्या मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन अगर ड्रॉअर कल अगर एक्विट हो जाता है, जिसका मतलब है वो केस जीत जाता है, तो उसको ये पैसा रिफंड मिलेगा, पे ही करेगा, और पे ही का भी जो टाइम है यही सेम है, 60+30 डेज में उसको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ही को साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो आरबीआई ने बताया है एट बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, उस साल के शुरू का आपने 1 अप्रैल का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का, तो देखिए 20% तो आप दे चुके हैं, तो इंटरिम कॉम्पनसेशन जो भी आपने पे किया है टू बी रिड्यूस्ड, वो उस अमाउंट में से, जैसे एक 2 लाख का चेक था तो 4 लाख हो सकती है लाइबिलिटी, और 2 लाख का 20% 40,000 आप पहले दे चुके हो, तो अब आपको सिर्फ 3,60,000 रुपए ही देने हैं। देन देखिए हमारे कोर्स में इन्होंने नहीं डाला सेक्शन 144, 145, 146, लेकिन 148 अगेन ये अमेंडमेंट एक्ट 2018 से था, इसको साथ में ही पढ़ना चाहिए। ये क्या कहता है, देखिए डिसीजन के खिलाफ, ये 143A के खिलाफ अगर आपने अपील कर दी है, मतलब पेंडिंग अपील अगर अपील कर दी गई है, अपील कहां करेंगे, ऊपर वाली कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं अपीलेट कोर्ट में। तो अगर डिसीजन के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील कर दी है, ऊपर वाली कोर्ट में चले गए, तो अपीलेट कोर्ट की एक पावर है, वो ड्रॉअर को कह सकती है कि भैया डिपॉजिट करवाओ हमारे पास कम से कम कितना, 20% मिनिमम। अब ये 20% किसका होगा, जो 143A में, यूं कह लीजिए 143A ना लिख के मैं वर्ड लिखूंगा, जब डिसऑनर हुआ जो ऑर्डर आया 138 का, जैसे डबल द अमाउंट ऑफ चेक, तो 138 का जो ऑर्डर आया उसका कम से कम, ये मिनिमम हमने बताया कि कोर्ट ऑर्डर देगी आपको ये जमा करवाना पड़ेगा, और ये इन एडिशन टू इंटरिम कॉम्पनसेशन होगा। और ये जमा कब करवाना है, टाइम देखिए सेम वही है 143A वाला, 60 दिन प्लस 30 दिन का एक्सटेंशन, एक्विटल हो गया अगर आप बाइज़त बरी हो गए, तो सेम 143A वाला 60 प्लस 30 दिन में रिफंड मिलेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसके साथ में एक सेक्शन बीच में बचा 147, जो कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इसका मतलब क्या होता, आपका देखिए चेक डिसऑनर हुआ है तो आपको जेल वगैरह हो सकती है, तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, केस के बदले में आप पैसे दे दीजिए, केस खत्म हो जाएगा, फाइन इन लिव ऑफ प्रोसिक्यूशन, कानूनी कार्रवाई ना हो तो आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं। तो भाई साहब ये थी लगभग 2 पेज, अगर आप मेरे पेजेस नोटिस करें तो ये बिल्कुल A4 शीट है, एक ये भरा और यहां से मैंने देखिए स्टार्ट किया था, तो लगभग 2.25 पेज में मैंने नेगोशिएबल एक्ट जितना स्टडी मैट में है ये रिविजन करवाने की कोशिश करी है। होप सो आपको अच्छी यूटिलिटी मिले, कोई एनीथिंग कुछ आपने मुझसे पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मेरा फोन नंबर वैसे आप जानते होंगे, फिर भी लिख देता हूं 9814212453। तो एट एनी टाइम यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। और ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, गुड लक, गॉड ब्लेस।